अगर ये जन आंदोलन से आप ठीक नहीं हो गए तो हम बूथों पर फैसला कर लेंगे और 3 ईवीएम को वापस कर देंगे। यह त्रेता नहीं है, यह अम्बेडकर युग है। हम अपना ना अंगूठा कटने देंगे न गर्दन कटने देंगे। ईवीएम भरोसा नहीं है, ईवीएम एक धोखा है। ईवीएम हटाओ और भारत बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। आप बैलेट से नहीं कराना चाहते हो, इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि आप वोट को चोरी कर रहे हो। अगर इनको अगर वैसे ही जबरदस्ती जीतना है और सरकार में बने रहना है तो चुनाव मत कराओ। रसम के लिए चुनाव नहीं चाहते, जिसे हमें दिल पर राज करना चाहिए था, आज हमारे ईवीएम के माध्यम से छाती पर राज करना चाहता है। आज जो संख्या देख रहे हैं, इससे चुनाव आयोग को भी और भारत के प्रधानमंत्री ने अगर थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो उनके अंदर जमीर जागना चाहिए। हमारे सामने और जनता उनके साथ है कि ईवीएम होने चाहिए, गोलों से धांधली हो लड़ेंगे और इसके बाद पेपर से चुनाव की तैयारी कर ले। हमारे साथ डॉक्टर सर क्या कहेंगे, ईवीएम बैन कराने से क्या हो जाएगा? और लोगों ने ईवीएम से चोरी जो हो रही है, हमारा लोकतंत्र की जो हत्या हो रहा है, हमारा जो मौलिक अधिकार, हमारा वोट देने का अधिकार जो छीना जा रहा है, सत्ता मनमानी कर रही है, इलेक्शन कमीशन सरकार की पोता और पट्टू हो गई है, उसका जवाब ये जो भीड़ देख रहे हैं भारत के तमाम राज्यों से, तमाम जिलों से आकर के ये आवाज उठा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए तो फौरन संज्ञान लेते हुए ईवीएम को हटाएं और बैलेट से चुनाव कराएं। अगर नहीं होगा तो सड़कों पे हम जाम करेंगे और इलेक्शन ईवीएम को नहीं होने। बैलेट पेपर में धांधली नहीं हो सकती है क्या? जो आप कह रहे बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। आज हमारे मनी और माफिया, ईवीएम माफिया हो गया है, वो व्हाइट और ब्लैक का जो उन्होंने बदलाव किया है, जो चोरी कर रहे हैं उसको रोकने के लिए आवाज देना है। और तीसरा जो मीडिया, पेड मीडिया और मोदी मीडिया जो साथ दे रही है, और इसीलिए हमारे जो लोग हैं, ये हमारे जो देख रहे हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे, इस बात का सबूत है हमें नहीं चाहिए। और आरा नेशनल पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो सभी अपने पार्टियों को साथ लेकर के हम ईवीएम का खिलाफ करने के लिए सड़कों पे आए हैं। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो संज्ञान जब से ले और ईवीएम हटा के बैलेट से चुनाव, चुनाव आयोग नहीं मानेगा कि ईवीएम बैलेट पेपर से चुनाव हो रही है। जनता का जो है पपट है, जनता के हाथों में बिकी हुई है, हमें उन्हें हटाना है। और इसीलिए अगर वो मान जाती तो हम सड़क पे नहीं होते। आज हम सड़क पे आए इसीलिए कि वो मान नहीं रही है। सभी लोगों को निवेदन है, आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाइए। केवल मीडिया कर्मी यहाँ खड़े हो, बाकी सभी साथी बैठ जाइए। और सभी मीडिया कर्मियों को मैं बार बार कह रहा हूँ तो साथियों, आप लोगों को निवेदन है कि मीडिया के अलावा सभी साथी बैठ जाइए। सभी लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए, बैठ जाइए। और साथियों में माननीय मीना नाम राष्ट्रीय कक्षा बहुजन मुक्ति पार्टी महिला विंग नई दिल्ली, उनको निवेदन करता हूँ। चुनाव आयोग का मनमानी नहीं चलेगा। माननीय मीना आप खड़े हैं, आप बात अपना मतदान नहीं चाहते। ये देश की जनता जान गई है कि ईवीएम से हमारे जनादेश का चोरी हो रहा है। ईवीएम को हैकिंग करके हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते हैं, फिर भी हमारा वोट का गिनती भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होता है। इसलिए देश की जनता ईवीएम के खिलाफ है और बैलेट के पक्ष में है। आज का ये कार्यक्रम देखा होगा आपने, आज देख रहे हैं ये पीछे जो इतनी बड़ी जन सैलाब है, आज जो संख्या देख रहे हैं, इससे चुनाव आयोग को भी
और भारत के प्रधानमंत्री ने अगर थोड़ी सी भी नैतिकता हो तो उनके अंदर जमीर जागना चाहिए। और मैं खासकर सुप्रीम कोर्ट से मैं चाहूंगा और खासकर महामहिम राष्ट्रपति महोदया से मैं कहना चाहूंगा कि माननीय महोदया आप अंतरात्मा को जगाइए। ये देश लोकतांत्रिक देश, ये दुनिया का सबसे बड़ा यहाँ लोकतंत्र है जहाँ संविधान सर्वोपरि है, यहाँ जनादेश का चोरी हो रहा है। 5 वर्ष में ये अधिकार ये संविधान में जगह बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था। 5 वर्ष में अगर सत्ता में लगाम हो जाए, अगर जनता के धोखेबाजी हो, अगर जनता चाहे तो 5 साल में सरकार बदले। लेकिन आज बड़ी अफसोस की बात है कि जिसे हमें दिल पर राज करना चाहिए था, आज हमारे ईवीएम के माध्यम से छाती पर राज करना चाहता है। जो जनता है वो कह रही है कि सबसे बड़े रक्षक और लोकतंत्र के रक्षक जो है वो नरेंद्र मोदी जी ही है। नरेंद्र मोदी जी अगर लोकतंत्र के रक्षक होते तो 5 आदमी को भी अगर बिठाता उंगली और कहता कि हम ईवीएम से नहीं चाहते हैं तो उनके लिए बैरक का व्यवस्था कर देते। हम कह रहे हैं हम इस देश का नागरिक है और बाबा साहब ने अपने संविधान में मुझे उतना ही अधिकार दिया है जितना राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दिया है। फिर हमारे वोट आप बैलेट से देने की व्यवस्था क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बैलेट से नहीं कराना चाहते हो, इससे स्पष्ट मालूम पड़ता है कि आप वोट को चोरी कर रहे हो, आप जनता जनादेश का चोरी कर रहे हो। उनका कहना है कि जनसंख्या इतनी ज्यादा है, यही कारण है कि ईवीएम को मशीन अच्छी है, बैलेट पेपर से बहुत टाइम लगेगा चुनाव। आप मुझे बताओ कि भारत से जनसंख्या ज्यादा दूसरे देशों में की नहीं है? जब आप 4 दिनों पर 8 दिनों तक 2 महीना तक चुनाव करा सकते हो तो क्या 2 दिन में काउंटिंग नहीं हो सकती? आप बताओ आप 3 महीने में 8 चरण 7 चरण में चुनाव करा सकते हैं तो क्या 2 दिन वोटिंग नहीं हो सकती? आप मुझे ये बिल्कुल बहाना है, ये सरकार बहाना बना रही है इनके पॉपुलेशन का। हम कह रहे हैं कि भारत आज 140 करोड़ का भारत है, अगर 200 करोड़ का भी भारत हो जाएगा तो भारत की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। जल्दी ईवीएम से चुनाव होंगे उतनी ही देर लगेगी बैलेट पेपर में, तभी तो ईवीएम को प्रेफर करा जा रहा है। हम कह रहे हैं कि ईवीएम से जनता का विश्वास नहीं है, ईवीएम भरोसा खो चुकी है। और ईवीएम सबसे पहले भरोसा वहाँ खो दिया जिसने ईवीएम लाया था उसने कूड़े में डाल दिया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ ईवीएम भरोसा नहीं है, ईवीएम एक धोखा है। ईवीएम हटाओ और भारत बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। जनसलाबाज यहाँ पे पूरा उमड़ा है, जंतर मंत्र पे इससे प्रधानमंत्री को कुछ फर्क पड़ने वाला है, कुछ दबाव बनेगा? प्रधानमंत्री को अगर फर्क नहीं पड़ता है तो हमें फर्क पड़ता है, हम जनता फर्क पड़ने वाले आ गए हैं। अगर ये जन आंदोलन ठीक नहीं होगा तो हम बूथों पर फैसला कर लेंगे और फिर ईवीएम को वापस कर देंगे। कुछ महीने ही रह गए लोकसभा चुनाव में, क्या लग रहा है इस बार होंगे बैलेट पेपर से चुनाव? देखिए चुनाव सिर्फ रफ्तार के लिए प्रधानमंत्री जी करा रहे हैं, ये जो चुनाव होने जा रहा है इसमें ईमानदारी नहीं है, इसमें जनादेश जो है जनता का हमने देखा है। अभी चार राज्यों का चुनाव को भी हमने देखा कि किस तरह से इनका ईवीएम का कमाल हुआ है। जहाँ राज्य की 20% जनता नहीं पसंद करती है वहाँ भी इन्होंने इनका ईवीएम चुनाव जिता करके इनके लाया है। इसलिए अगर इनको अगर वैसे ही जबरदस्ती जीतना है और सरकार में बने रहना है तो चुनाव मत कराओ, रस्म के लिए चुनाव नहीं चाहते। लेकिन अगर तुम चुनाव कराओगे तो बैलेट से कराओ, वरना हम ईवीएम स्वीकार नहीं करने वाले। बातचीत करने के लिए हमारे साथ ओम सुधा जी मौजूद है। सर क्या गारंटी है कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव होंगे तो सरकार बदलेगी? सरकार तो बदलना ही है, क्योंकि सब जानते हैं ईवीएम एक बेईमान मशीन है, ईवीएम से बेईमानी होती है और हम लोग सब लोग इसीलिए लड़ाई ही लड़ रहे हैं। एक छोटी सी बात मैंने अभी मंच से भी कही और वो छोटी सी बात मैं हमेशा कहता हूँ कि चांद पर जब रोवर गया था तो रोवर जो है खराब हुआ तो इसरो के वैज्ञानिक कह रहे थे हम धरती से रिपेयर कर रहे हैं, तो चांद पर का रोवर धरती इसरो से रिपेयर हो सकता है, लेकिन जो ईवीएम है वो हैक नहीं किया जा सकता। ये एक साफ से जो है झूठ वाली बात है, इस बात का कोई मतलब नहीं। हम लोग मानते हैं ईवीएम बेईमान मशीन है और ईवीएम ठीक है, एक संदेह भी नहीं भी हो सकते, तो भी मुझे लगता है कि एक नागरिक के तौर पर
मुझे यह हक है जानने का कि मैंने जिसे वोट दिया उस प्रत्याशी को वोट मिला कि नहीं, यह मुझे पता रहना चाहिए। इसलिए हम लोग ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लॉस वेगास में ईवीएम पर हर साल सम्मेलन होता है, और सम्मेलन जो होता है वो हैकर्स का सम्मेलन होता है अमेरिका में। उस सम्मेलन में आज तक कोई ऐसा ईवीएम आया नहीं जिसको कि हैक नहीं किया गया। हर ईवीएम को हैक किया जाता है हमेशा। इसलिए ईवीएम हैक किया जा सकता है, ईवीएम टेम्पर्ड किया जा सकता है, ईवीएम से बेईमानी होती है। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा कैसे ताकत मिलती है कि ये लोग कह रहे हैं कि हम इस बार 400 पार जाएंगे? इसका मतलब है ये कॉन्फिडेंस, विश्वास होगा ना उन पर, तभी वो कह रहे हैं 400 पार। ये कॉन्फिडेंस इनको ईवीएम से आया। आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी को ही ईवीएम से डर लगता है? क्यों इन मनीवादियों को ही ईवीएम से डर लगता है? चोर की दाढ़ी में तिनका, जो ये कहावत है बिल्कुल सही कहावत है। ये चोर है बैलेट, ये जो है ईवीएम से चोरी करते हैं हमारे वोट की, हमारे हक अधिकार की। और आज की तारीख में ब्राह्मणों के पास मनुवाद को स्थापित करने का सबसे बड़ा जो टूल है वो ईवीएम है। इसलिए ईवीएम के खिलाफ देश भर में आंदोलन जारी है। आपको लग रहा है चुनाव आयोग मानेगा कि ईवीएम खराब मशीनें, बेईमान मशीनें हैक करा जा सकती है, क्योंकि वो जगह जगह लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि ईवीएम हैक नहीं हो सकता है? चुनाव आयोग नहीं मानेगा तो चुनाव आयोग पे चढ़ जाएंगे, चुनाव आयोग पे ताला लगा देंगे कि चुनाव आयोग आजकल चुनाव आयोग नहीं रह गया, चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी आयोग बन गया है, चुनाव आयोग ईवीएम चोरी करने का आयोग बन गया है। इसलिए इस चुनाव आयोग को हम नहीं मानते हैं। यह चुनाव आयोग वोटों की चोर है, यह चुनाव आयोग वोटों का डकैत है, यह चुनाव आयोग देश के लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ है। इसलिए न हम ईवीएम को मानते हैं, न इस चुनाव आयोग को मानते हैं। लेकिन जो 22 जनवरी को जो राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, तो उसके बाद तो लग रहा है कि जनता भाजपा की तरफ ही चली गई है, भाजपा के साथ हो गई है। देखिए, इस देश में धर्म का राजनीतिकरण किया गया है। अब तक हम लोग बचपन से सुनते आए हैं कि भगवान जो है लोगों को धरती पर लाते हैं। ये तो पहली बार हुआ कि आदमी ही भगवान को ले आया है। ये खैर उनका मामला है जो भगवान को मानते हैं, जिनके राम है। हम तो शंभू के वंशज हैं, हमारा तो राम राज में गला काटा गया था, तो राम राज तो हमारा है नहीं, तो राम वाले जाने। हम तो शंभू वाले हैं, हम तो एकलव्य वाले हैं, तो राम और द्रोणाचार्य वाले बताएंगे राम राज का। हम शंभू और एकलव्य के वंशज हैं, लेकिन यह त्रेता नहीं है, यह अम्बेडकर युग है। हम अपना ना अंगूठा कटने देंगे, न गर्दन कटने देंगे। तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि इस तरीके से जनता का जनसैलाब है, और तमाम हमने लोगों से बात करी है, एडवोकेट से बात करी है, तमाम लोगों ने सीधे तौर पर यही कह दिया है कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव है वो बैलेट पेपर से ही करा के रही है, जनता के लिए तमाम जनसैलाब देख लीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद और ईवीएम के विरोध में ही आए हुए और कह रहे हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव जो है वो बैलेट पेपर से ही होने चाहिए।